आईपीएल में शनिवार के दिन डबल हेडर के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। आपको बता दें कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से जीत हासिल कर ली। 196 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 189 रन लगाए। इस मैच में लखनऊ को सबसे बड़ी जीत दिलाने का योगदान तेज गेंदबाज मोहसिन खान का रहा, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से आज सभी को प्रभावित किया। मोहसिन खान ने 4 ओवर में 16 रन देते हुए 4 विकेट अपने नाम किए और उन्होंने बता दिया है कि वो अब इस टीम में एक मुख्य गेंदबाज के रूप में खेल रही हैं। मोहसिन खान इस मैच के ही सबसे किफायती गेंदबाज रहे। लखनऊ के बाकी गेंदबाजों की बात करें तो आज लगभग सभी गेंदबाजों को 10 से ज़्यादा इकोनॉमी रेट के हिसाब से मार पड़ी, लेकिन यही मोहसिन खान ने मात्र 4 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। मोहसिन खान ने शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा जमाए रखा। इस मैच में अगर उनके शिकार की बात करें तो उन्होंने डेविड वार्नर, कप्तान ऋषभ पंत, रोबिन पोवेल और शार्दुल ठाकुर का विकेट निकाला। कहना गलत नहीं होगा कि इस मैच को पलटने वाले भी मोहसिन खान ही थे, क्योंकि उन्होंने घातक बल्लेबाज डेविड वार्नर को आउट किया और जब ऋषभ पंत पूरी तरह से क्रीज पर सेट नजर आ रहे थे तो उन्होंने ऋषभ पंत का भी विकेट निकालकर अपनी टीम को मजबूत वापसी कराई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने रोबिन पोवेल और शार्दुल ठाकुर को एक के बाद एक आउट करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। आज उनकी ही बदौलत टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत मिल पाई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।